वेलकम यू ऑल। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप ऑप्शंस पर नज़र डालिए कि क्या क्या पूछा गया है। तो पहले ऑप्शंस पर अगर हम नज़र डालें तो ये पूछा गया है कि लार्ज स्केल जो सॉइल इरोजन है वो एक मेजर रीजन है किसके लिए, फूड इनसिक्योरिटी के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में ये बोला गया है कि सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, दैट मीन्स सॉइल इरोजन क्या है, मेनली एंथ्रोपोजेनिक है। और तीसरे ऑप्शन में हमको ये बोला गया है दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स कैन हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, दैट मीन्स अगर आप सॉइल्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट करने में मदद में आपको मिलेगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एजम्पशन बेस्ड है, ठीक है। दैट मीन्स हमको पैसेज पर ही रिलाई करना है। पैसेज को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो पहली लाइन ये कहती है दैट सॉइल इन विच नियरली ऑल अवर फूड ग्रोज इज अ लिविंग सोर्स दैट टेक्स ईयर्स फ्रॉम टू फॉर्म, ठीक है। तो पहला एक जनरल स्टेटमेंट है, नथिंग इंपॉर्टेंट, येट इन कैन वैनिश, जल्दी से वैनिश भी हो सकता है। ईच ईयर 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट टू इरोजन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट 75 बिलियन जो टन्स जो सॉइल है उसका एक सॉइल इरोजन हो जाता है हर साल पैसेज के अकॉर्डिंग। दैट इज अलार्मिंग एंड नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर्स, मतलब ये कह रहा है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है बट सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोड्यूसर्स के लिए अलार्मिंग नहीं है, ये सभी के लिए अलार्मिंग है, सभी सेक्टर्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। अब हमको पता चल रहा है कि सॉइल इरोजन हमारा ये दो जगह पूछा गया है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में हम अगर जाएं देन लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। चलो मान भी लिया जाए कि फूड इनसिक्योरिटी के लिए सॉइल इरोजन एक रीजन है, तो पैसेज पढ़ के हमको ये कहाँ पता चल रहा है दैट सॉइल इरोजन इज द मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी। हम ये कैसे बता सकते हैं पैसेज पढ़कर कि सॉइल इरोजन एक मेजर रीजन है, मेजर तो बहुत ही एक स्पेसिफिक वर्ड हो जाता है ना। फूड इनसिक्योरिटी जो है वो तो कई सारे रीजन से जनरेट हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, इनकम की वजह से, इंक्लूसिव ग्रोथ अगर नहीं हो रही है उसके लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं। उसमें इस पैसेज में अगर हम बात करें, चलो ठीक है अगर हम जीएस की नॉलेज अप्लाई नहीं भी करें, वो नहीं करनी है, तो इस पैसेज में ऐसा कहाँ जस्टिफाई हो रहा है दैट सॉइल इरोजन इज द मेजर रीजन फॉर फूड इनसिक्योरिटी, दैट मीन्स स्टेटमेंट वन इज आपका रॉन्ग। स्टेटमेंट वन आपका रॉन्ग हो चुका है, स्टेटमेंट वन आपका रॉन्ग हो चुका है, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद द टू चॉइसेस, थ्री ओनली एंड टू एंड थ्री ओनली। इसमें थ्री ओनली जो चॉइसेस है ये दोनों स्टेटमेंट में है, दोनों ऑप्शंस में है, दैट मीन्स ऑप्शन थ्री आपको चेक भी नहीं करना है। डिबेट कहाँ पर आके टिका, आपका ऑप्शन टू पर, ये ऑप्शन टू सही है या गलत है। फिर से ये अगर हम 75 बिलियन टन्स वाली लाइन पर जाएं, दैट 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट टू इरोजन, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि 75 बिलियन टन्स ऑफ सॉइल का सॉइल इरोजन हो जाता है हर साल। अब इस स्टेटमेंट से कहाँ जस्टिफाई हो रहा है दैट सॉइल इरोजन इज मेनली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, दैट मीन्स स्टेटमेंट टू वाज आल्सो रॉन्ग। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं भी दूसरी जगह इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ से कुछ एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात कही गई है, ये एक फूड प्रोड्यूसर्स के रिलेटेड बात बोली गई है, तो सॉइल इरोजन का जो भी लाइन है वो सब यही है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन हो रहा है डेफिनेटली पैसेज के अकॉर्डिंग, बट ये कहीं भी नहीं है दैट मेनली एंथ्रोपोजेनिक हो, दैट मीन्स ज़्यादातर 70-80% एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण ही सॉइल इरोजन हो, ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स स्टेटमेंट टू इज आल्सो आपका रॉन्ग, ऑप्शन बी इज लेफ्ट। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है और आपको देकर जाता है +2.5 मार्क्स, ठीक है। 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो सीसेट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सही कर ले जाएंगे। वन मोर सजेशन फ्रॉम माय साइड इज दैट नेवर रिलाई ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, हो सकता है वहाँ पर कुछ आपका ह्यूमन एरर हो जाए, हो सकता है आपका कुछ ब्रेन अच्छे से काम ना करे क्योंकि GS1 के पेपर के कारण ऑलरेडी आप टेंशन में आ चुके होंगे, बीच का जो गैप होता है उसमें कई बहुत ही ज़्यादा उसमें गर्मी के कारण जो बच्चे हैं वो उसमें अपना टेंपर लूज कर देते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर आपसे हो जाए, बट मैं यही कहूँगा दैट स्टार्ट विद मैथ्स एंड देन कम ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी आप इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादातर कैटेगरी में पॉजिटिव मार्क्स ही देकर जाएंगे और इस तरीके से आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।